दस्तक अभियान के तहत कुपोषित पाए गए बच्चों को ब्लड चढ़ाकर उनका कुपोषण दूर किया जाएगा। कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान चला रहा है। हम आपको बता दें, यह अभियान 10 जून से 20 जुलाई तक चलना है। इस दौरान कुपोषित पाए गए बच्चों को ब्लड चढ़ाकर उनका कुपोषण दूर करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते अभी तक लगभग 40 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है। वहीं 32 बच्चों को ब्लड चढ़ाकर उनका कुपोषण दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी के चलते रीवा के जिला अस्पताल में एक बार फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां लड़कियों ने आगे बढ़ते हुए ब्लड को डोनेट किया। ये जो हमारे यहाँ दस्तक प्रोग्राम चल रहा है, ये 10 जून से लेकर 20 जुलाई तक, तो इसमें बच्चों की पहचान करके, जो ज़्यादा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं और जिनको ज़्यादा खून की कमी है, सीवियर एनीमिक बच्चे हैं, उनको इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, जिससे कि उनका खून की कमी उनके शरीर में दूर हो। और इस तरह इस प्रोग्राम में कई कंपोनेंट हैं, तो उसमें और भी है, डायरिया भी है, निमोनिया भी है, और दूसरा कंजनाइटल ब्लड डिफेक्ट भी है। तो ये अपन ब्लड इनसे कब ले रहे हैं स्वैच्छिक संस्थाओं से, और उनको बच्चों को इसको ट्रांसफ्यूजन करेंगे, चढ़ाएंगे।